यूपी सरकार की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी हमारे साथ हैं। योगी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। मैम, कितने प्रस्ताव थे और आपके विभाग का क्या प्रस्ताव था? ये हमारे जो विभाग का प्रस्ताव है वो संस्कृत विद्यालयों से संबंधित है। पहले जो अंशदान देते थे संस्कृत विद्यालय वो ज़्यादा लिया जाता था, लेकिन अब व्यवस्था 95/5 की गई है कि 95% हम देंगे और 5% जो हैं वो हमारे विद्यालय के जो प्रबंधक हैं वो लगाएंगे, जिससे कि जो जीर्ण छीर्ण स्थिति है हमारे संस्कृत के विद्यालयों की वो सही हो जाए। मैम, सरकार तो संस्कृत के विद्यालयों को लेकर लगातार प्रयास करती रहे कि वो सुधरे, चाहे वो संस्कृत के अध्यापक हों या विद्यालय हो। वो आज भी प्रयास कर रही है और अब इतनी बड़ी सुविधा दे दी है कि सारी व्यवस्थाएँ जो है सरकार ही करेगी, केवल 5% ही वहाँ के जो संस्थापक हैं उनको लगाना पड़ेगा। आखिरी सवाल ये है कि उसमें भी ये उनको छूट दे दी है कि सांसद निधि, विधायक निधि और जो पूर्व छात्र रहे हैं और सर्विस में हैं या बिजनेस में हैं उनसे भी सहयोग ले सकते हैं। मैम बताइए ये जो है UCC को लेकर जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है आपत्ति दर्ज करा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? यूनिफॉर्म सिविल कोड है, देखो ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में कोई भी आपत्ति दर्ज कराने का उसका अपना अधिकार है। ठीक है, आप शिक्षा मंत्री गुलाब देवी थी जिनका साफ कहना है जो संस्कृत के विद्यालय हैं उसको तो यूपी सरकार जो है उनको संवारने का काम कर रही है। आज उस कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव भी पास हुआ है। कैमरामैन उबैदुल्ला के साथ अनूप चौधरी, हिंदी खबर, लखनऊ।